Hey guys, welcome or welcome back to my channel AMISHA makeup and beauty. और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ how you can remove pimples by using natural ingredients. So guys, हमारे चेहरे पर pimples क्यों आते हैं? सबसे पहले हम पानी कम पीते हैं. हमें दिन में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए. ऑयली स्किन पे पिंपल्स ज़्यादा आते हैं, डैट्स वाई उन्हें अच्छे से अपनी स्किन केयर करनी चाहिए, जिसके लिए एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूँगी. सेकेंड, हमारे डर्टी मेकअप ब्रशेज यूज़ करने से हमारे फेस पे काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है. डैट्स वाई हमें कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश यूज़ करने से पहले हमें उसे वार्म वाटर में अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर हम मेकअप जब करते हैं उसके बाद हमें अपने ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप टूल्स को अच्छे तरीके से क्लीन करके रखना चाहिए. थर्ड, सोने से पहले हमें अपनी नाइट स्किन के रूटीन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए. बिना फेस वॉश किए हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए. फोर्थ, जब भी हम बाहर से घर पर आए एक बार अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें. इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा. सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू रिमूव पिंपल्स बाय यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी में कई प्रकार के प्राकृतिक खनिज होते हैं जो कि हमारे चेहरे की रंगत को निखारने में मदद करता है. मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिक्स करके पेस्ट तैयार कर ले. इसमें 1/2 टीस्पून नींबू के रस को मिलाएं. इसे अपने चेहरे के पिंपल्स, एक्ने, दाग धब्बों पर लगाएं. इसे सूखने तक इसे ऐसे ही छोड़ दें और सूखने के बाद आपको वार्म वाटर से क्लीन कर लेना है. अगर आप चाहते हो इस फेस पैक को पूरे फेस पे लगाएं तो आप लगा सकते हो, बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए आपके फेस पर. 50-60% ड्राई होने के बाद ही आपको वार्म वाटर से क्लीन कर लेना है, नहीं तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप पिंपल्स एक्ने पे लगाते हो तो इसे पूरी तरीके से ड्राई होने दें, क्योंकि वो बहुत छोटा सा एरिया है और वो उसे पूरी तरह सुखा देगा और आपको पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा. So friend, it was my today's video and I hope you like this video. If so, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon. I will see you in my next video guys. Bye bye, take care.